IBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। हाथरस जंक्शन कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को तमंचे कारतूस सहित किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ शंकर मीना के निर्देश में चलाया गया चेकिंग अभियान हाथरस जंक्शन कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार शर्मा SI कमल सिंह यादव मई हमराही मेंदू चौकी की तरफ आ रहे थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि भैरव मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति नाजायज असलाह लिए खड़ा है। सूचना कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार शर्मा मई हमराही भैरव मंदिर के पास पहुंचे तथा घेराबंदी कर मौके से पकड़ लिया। आज SI श्री कमल सिंह ने कल शाम को 11/3/19 को समय करीब 8:35 पर अभियुक्त गुड्डू कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी रामपुर थाना आत्रजनपुर में एक तमंचा देसी 315 बोर और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। ये भैरव मंदिर के सामने बनी दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ पहले भी कोई मुकदमा लिखा जा गया इसके खिलाफ? ये पहले भी NDPS में और चोरी में जेल जा चुका है। सातर चोर है, पहले भी चोरी और NDPS में जेल जा चुका है।